वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, होप यू गाइस डूइंग फाइन। और भाई आज मैं जा रहा हूँ भाई अपनी गाड़ी को सर्विस कराने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि गाड़ी की सर्विसिंग सीएनजी के पहले होगी, लेकिन बाद में करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सोचा सीएनजी उस टाइम पे लग रही थी, जल्दी तो लगवा लेता हूँ। तो अब भाई बस मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, और मैं जा रहा हूँ द कार्स लॉन्च, जो है भाई अंकित भैया का वर्कशॉप, जो भाई अपने बहुत सारी वीडियोज में देख चुके हैं, जो नेक्सा में काम करते हैं, उनके साथ हमने जिमनी भी चलाई थी एक बार। अपन वहाँ से कराएंगे, और वो उसका रीज़न ये है कि भाई कंपनी वाले यार बहुत लूटते हैं और काम वैसा करते नहीं हैं। यहाँ अपन सब सामने खड़े होके काम देख सकते हैं, और अपन को मालूम है कि अपन को बेस्ट काम मिलेगा। अपन को उस पर कराना क्या है, मेन तो ये जो अपना जो डोर ये वाला था, ये जो नॉइज़ करता था, इसको ठीक कराना है, क्योंकि काई मारुति से तो हुआ नहीं, उन्होंने जुगाड़ कर दिया था, एक फोम लगा दिया था। और बाकी जनरल अपनी ऐसी सर्विस होनी है कि अपने को इंजन वगैरह ये सब चेंज कराना है। गाड़ी का कूलेंट तो भाई खाली हो चुका है, सीएनजी लगवाने के बाद एवरेज देखो प्लेटिना बन गई अपनी गाड़ी, 31 का दे रही है कॉन्स्टेंट। आ गए द कार्स लॉन्च, अंदर लगेगी अपनी गाड़ी सर्विस होने के लिए। हेलो भाई, बात करते हैं कैसा क्या हो रहा है। गाड़ी अभी भैया टेस्ट कर रहे हैं, सर्विस होने के पहले पूरी जहाँ जहाँ की आवाज़ आ रही हो अपनी गाड़ी, यहाँ पर सर्विस हो गई अपनी गाड़ी पूरी। आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि गाड़ी किस टाइप से सर्विस होगी अपनी, अपन पूरे अपनी आंखों के सामने कराएंगे। अपना एयर फिल्टर निकल रहा है, बहुत ही खतरनाक गंदा हो गया, तो अभी ये चेंज होगा। ये अपना एसी फिल्टर यहाँ लगता है, इसकी भी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो ये भी अपना चेंज होगा। ये इंजन ऑयल रखा अपना, अपन ये डलवाएंगे इंजन ऑयल, और इन सब का प्राइस मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में, सब एक साथ ही टोटल कितना हो रहा है। इसके बाद बहुत भाई बढ़िया तरीके से हो रही है अपनी सर्विस गाड़ी की, ब्रेक चेक हो रहा है सही है, ठीक है सही है। कितने और चलेंगे, 50% है, 50% है, 50% चले। कितने में होता उसको, ये पूरा चल जाता है ना जितना जब चेंज कर देते हैं। अच्छा, मतलब कितना, 10,000 किलोमीटर और चलाना है। हाँ अभी चला जाएगी, आराम से चल जाएगी, अभी अपनी नहीं उसको लगा देंगे। वो ब्रेक पैड अपने गाड़ी का बचा हुआ है अभी 20%, तो अपन 10,000 किलोमीटर उसको और चला सकते हैं अभी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई अपने साथ भाई, ये चेंज नहीं कराना पड़ेगा अपन को। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग जी, तो क्या ये चेंज होगा, क्या होता है। हाँ स्पार्क प्लग चेंज होते हैं। ब्रेक कहाँ रहता है उसका, ये अपना ब्रेक शू है, अच्छा ये अपना व्हील सिलेंडर है, और ये अपने हैंड ब्रेक केबल आई है अंदर से, ये इसका बेयरिंग है। अभी ब्रेक इसका सही रखें कि नहीं, ब्रेक सही, ब्रेक सही रखें। चार पर कितने चल जाएंगे अभी, तो चलेंगे अभी, तो अपन सफाई करके लगा देंगे। सामने वाले ब्रेक भी ठीक है, पीछे वाले ब्रेक भी ठीक है, ब्रेक अपन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपन ट्रिप से आ जाएंगे उसी के बाद करेंगे सीधा। अपने गाड़ी का काम चल रहा है बहुत बढ़िया, और अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, लॉन्च है इनका छोटा सा, यहाँ बैठ सकते हो आके। तो भाई अभी एयर फिल्टर, एसी फिल्टर वगैरह ये सब चीज़ें लेने गए भैया, कूलेंट निकल रहा है अपना, कूलेंट डलेगा, मतलब वो सादा वाला डलता है, कौन सा बैटरी वाला डलता है, नहीं बैटरी में अलग आता है, इसमें सादा ही पानी चलता है। अच्छा सादा पानी डलता है, आधा रेडिएटर पे जाता है आधा इस पे जाता है ना। फिर भाई स्पार्क प्लग लगने के बाद भाई पूरा सेट कर रहे हैं उसको वापस से, उसके बाद ये एयर फिल्टर वगैरह सब डलेगा, और ये ऑयल फिल्टर डलेगा, फिर उसके बाद ऑयल डलेगा। ब्लोवर के अंदर
ऑयल फिल्टर लग रहा है यहाँ पे नीचे से। पूरी सर्विस होने के बाद अब वॉश हो रही है। गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, वॉश होके से काम हो चुका गाड़ी में, अंदर से भी पूरी क्लीन हो चुकी है गाड़ी। पर अपना ये जो स्विच खराब हो गया था ये भी रिपेयर हो चुका है पूरा, देखो। बाकी पेमेंट वगैरह करा के मैं घर पे आपको बताऊंगा कि कितना हुआ इसका चार्ज। गाड़ी की सर्विस हो गई, सर्विस करके अपन निकल चुके हैं। 2 से 2.5 घंटा लगा, मैक्स 3 घंटा लगा। तो अब भाई गाड़ी कैसे चल रही है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब गाड़ी थोड़ी चल चुकी होगी, कम से कम 1000 किलोमीटर चल जाएगी तब मैं बताऊंगा कि गाड़ी कैसी चल रही है और ये नया ऑयल कैसा है, ये अपन ने पहली बार डलवाया ये वाला ऑयल। बाकी सब अभी तक तो गाड़ी स्मूथ चल रही है, गाड़ी का इंजन नॉइज़ वगैरह सब खत्म हो गया है और पैनल की नॉइज़ वगैरह भी सारी खत्म हो गई है, कहीं से ऐसा नॉइज आ नहीं रहा है। अब मैं जा रहा हूँ देखो घर, 10 बज रहा है और मैंने इसका व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट भी करा लिया था, अलाइनमेंट थोड़ा सा आउट था और सीएनजी पे भाई मैंने दोबारा से डलवा ली थी इस पर, क्योंकि सीएनजी ख़त्म हो गई थी। तो भाई देखो गाड़ी चल रही है बहुत बढ़िया इस ऑयल के साथ, मेरे को पिकअप वगैरह में भी फ़र्क लग रहा है। बाकी एक अलग से रिव्यू आ जाएगा क्योंकि थोड़ा चलानी भी पड़ेगी ना यार गाड़ी। आपने लास्ट क्लिप देखा था वो था यार 25 तारीख का, 25 अक्टूबर का, और आज जो डेट है वो है यार 4 नवंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज डेट है 4 नवंबर, लास्ट क्लिप आप देख सकते हैं यहीं पे 25 अक्टूबर था। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको मैंने सीएनजी डलवाई थी और मैंने सीएनजी फुल करवाई थी। तो आज की डेट भाई देखो 7 दिन हो गए टोटल, अपनी सीएनजी पे गाड़ी कितनी चली है 224 किलोमीटर और अपनी सीएनजी आ गई है रेड मार्क पे, यानी एम्प्टी होने वाली है। और जब ये ब्लिंक करने वाला होगा ना तब समझ लो पूरी सीएनजी खत्म हो गई है और ये आ जाएगा पेट्रोल पे, जो कि ये वाला मोड होता है। ये देखो ये आ गया पेट्रोल पे, गाड़ी स्विच हो चुकी है पेट्रोल पे। तो भाई एवरेज गाड़ी ने सर्विसिंग के बाद बहुत अच्छा दिया है, आपने देख लिया गाड़ी का एवरेज कैसा था। अब मैं चलता हूँ घर के अंदर, मैं फिर आपको बताऊंगा कि मेरे को सर्विस में कितना खर्चा आया। तो भाई लोग आपने जैसा कि देखा इस ब्लॉग में मैंने सर्विसिंग सर्विस सेंटर से नहीं कराई है, वो बाहर से कराई है। तो मैं बस ये आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि बाहर सर्विस कैसी होती है और सर्विस सेंटर में कैसी होती है। सर्विस सेंटर में आप लोग जानते ही हैं सर्विस किस टाइप से होती है, और यहाँ आपने पूरे वीडियो में देख ही लिया, एक एक चीज़ देखी सर्विस होते हुए। मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे जब वो गाड़ी की सर्विस कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ बताई है कि कैसा क्या होता है, स्पार्क प्लग वगैरह भाई सब चेंज है। मेरे को पता तक नहीं था गाड़ी का स्पार्क प्लग भी चेंज होता है, क्योंकि मेरे बिल में कभी मेंशन नहीं था, जो कि जो सर्विस मैंने सर्विस सेंटर से कराई उसको कभी मेंशन नहीं था कि स्पार्क प्लग चेंज होते हैं। तो इस बार मेरे स्पार्क प्लग भी चेंज हुए। तो चलो भाई सीधे सबसे पहले आते हैं हम इसके रेट पे। तो मेरे को 7230 रुपये की भाई ये पड़ी है, शायद 7230, मेरे को एकदम फिगर याद नहीं, मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। इस पे से मेरे को एक चीज़ लगी है जो बहुत ज़्यादा था, वो था यार लेबर कॉस्ट। 1700 रुपये की लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और हालांकि बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनने मेरी गाड़ी सर्विस की है तो भाई उनने काम तो बहुत अच्छा किया, ऐसा काम बुरा नहीं है बिल्कुल भी। तो यार ये बात तो थी कि भाई द कार लॉन्च की सर्विस बहुत बढ़िया है, बस मेरे को लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा 1700 रुपये, मतलब सर्विस सेंटर में भी 700 रुपये लेते हैं और सर्विस इतनी देर में होके मिलती है हमारी गाड़ी। और साथ ही साथ ये मेरे को ये लगा जो एक स्विच रिपेयर हुआ था, जो आप विंडो रोल अप रोल डाउन करते हैं वाला स्विच रिपेयर हुआ था, उसका कॉस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा लगा 650 रुपये। यही कॉस्ट शायद से बाहर थोड़ा सा कम आता, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। मेरे को उनने भी बहुत देर तक फिगर आउट किया था कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही है जिससे विंडो रोल अप नहीं हो रहा है, तो ठीक है भाई इस हिसाब से। तो बाकी ओवरऑल द कार्स लॉन्च का यार मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है वो बहुत बेस्ट था, बहुत ही प्यारे तरीके से यार उन्होंने ट्रीट किया है मेरे को, और मेरे को अच्छी चीज़ें सही चीज़ें सजेस्ट की हैं, कुछ भी गलत सजेस्ट नहीं किया है उन्होंने कि आप एक्स्ट्रा ये काम करा लो। तो यार आप एक बार कार्स लॉन्च विजिट कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा उनके इंस्टाग्राम का और एक फ़ोन नंबर दे दूंगा उनका, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप मेरे थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में हेल्प कर दूंगा। और बाकी आपको कोई सी भी गाड़ी सर्विस करानी हो, वॉश करानी हो, तो आप द कार्स लॉन्च जा सकते हो, वहाँ आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छा प्राइस मिलेगा, और भी आपके गाड़ी में कुछ भी डेंटिंग पेंटिंग जो बहुत सारे काम वो कर देते हैं, मॉडिफिकेशन वगैरह भी शायद वहाँ हो जाता है, तो यहाँ भाई आप वहाँ जा सकते हो। और ओवरऑल ये देखो मैं आता हूँ अपने गाड़ी की रनिंग पे। तो ये मैंने 7 दिन लिए हैं यार इस वीडियो को बनाने में,
मैं 25 तारीख को गया था सर्विस कराने, 25 तारीख को मेरी गाड़ी सर्विस हो गई थी और मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 तारीख को। तो मैंने आपको जैसे लास्ट में दिखाया कि मैंने 25 तारीख को CNG फिल करवाई थी गाड़ी में और नए इंजन ऑयल के साथ। यार CNG ने बहुत प्यारा काम किया है, ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी 8.5 किलो CNG में मेरी गाड़ी चली है 220 किलोमीटर और अभी भी उस पर CNG बचा हुआ है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो हाँ भाई, काम करता है मोबिल का इंजन ऑयल, आप अर्टिगा में कंसिडर कर सकते हो। मेरे कहने पर मत जाना, आप खुद यूज़ करके देखो एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि ये इंजन ऑयल कितना बढ़िया है और गाड़ी सर्विस होने के बाद कितना अच्छा काम करता है यार। तो एक बार मेरे साथ में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी आउटसाइड किसी अच्छे सर्विस सेंटर से सर्विस कराओ और सामने रह कर सर्विस कराओ, देखो खुद से कि गाड़ी कैसे सर्विस होती है, थोड़ा टाइम निकालो और अपनी गाड़ी को टाइम दो। तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको पता चलेंगी जो आपकी गाड़ी में सर्विस सेंटर में नहीं हो रही है। यहाँ आपको फील होगा कि भाई बाहर से कि गाड़ी में आपकी सर्विस हुई है, जैसे सर्विस सेंटर में कभी फील नहीं होता। मेरे हिसाब से तो नहीं होता, मैंने 2 जगह से सर्विस करा के देखी है, मैं सर्विस सेंटर्स का नाम नहीं लूँगा। ये था मेरा व्लॉग सर्विस के एक्सपीरियंस का और भाई बहुत मेहनत लगी है, मैंने 7 दिन लिए, 7 दिन गाड़ी चलाई है प्रॉपर सिटी के अंदर ताकि मेरे को गाड़ी का एवरेज वगैरह सब पता चले, गाड़ी कैसे चल रही वो पता चले। तो भाई इस मेहनत के लिए प्लीज़ यार एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना जिसके पास भी अर्टिगा हो या कोई और मारुति की या किसी भी कंपनी की भाई कार हो, ताकि उसको पता चले कि भाई बाहर का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होता है। और आपको भाई कुछ भी चीज़ें इस ब्लॉग से आपको रिलेटेड पूछनी हो मेरे को प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में। और यार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर बहुत पहले डला हुआ था यार कोई क्वेरीज वगैरह के लिए, लेकिन एज अ सब्सक्राइबर, मेरे सब्सक्राइबर जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो यार बहुत सारे लोग मैसेज और कॉल करते हैं, तो भाई मैसेज और कॉल मत करो। हालांकि मैंने नंबर भी हटा दिया लेकिन जो भी करते हो भाई मत करो यार, मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। और करना ही है तो इंस्टाग्राम पे करो ताकि वो मेरे को दिख जाए, क्योंकि इतने सारे कॉल और मैसेज हो जाते हैं कि भाई वो मेरे को समझ ही नहीं आता है, नहीं तो मैं हेल्प कर देता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ भाई, फिलहाल इस व्लॉग के लिए इतना ही। अगर किसी भी रीज़न से आपको व्लॉग अच्छा लगे भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मज़ा करना है तो ये वाला व्लॉग देखो जो पीछे चल रहा है, ये रहा उसका लिंक, इस पर क्लिक करो और इन्जॉय करो।